अरे भाग्यवान, देख कैसा जमाना आ गया है। बहू बैठी है और बेटा रोटी बनाने लग रहा है। सही कह रहे हो जी आप। आजकल का जमाना कलयुग आ गया, कलयुग। आजकल की बहुओं को शर्म नहीं आती, अपने पति से खाना बनवाती हैं। ले गुलाबो, तेरे लिए ना मैं नाश्ता तैयार कर रहा हूँ और मैंने बड़ी बढ़िया सब्जी बनाई है आज। हाँ हाँ जी, ये बात तो मुझे पता है कि आप ना खाना बहुत अच्छा बनाते हो। और एक बात बताऊं जी, आप तो कपड़े भी ना बहुत अच्छे धोते हो, और जो बर्तन है ना ऐसे चमका चमका के साफ करते हो ना, अपनी शक्ल दिख जाए उसमें। सो स्वीट ना। वैसे जी, आपने नाश्ते में सब्जी कौन सी बनाई है? तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है गुलाबो, आलू और मटर। हाँ आलू और मटर। अरे वाह जी वाह, मुंह में पानी ला दिया। आपको तो मेरी हर फेवरेट चीज का पता है कि आलू और मटर की सब्जी मुझे कितनी पसंद है। अच्छा सुनो जी, जब तक आप नाश्ता तैयार कर रहे हो ना, तब तक मैं एक गाना सुन लूं। हाँ सुन लो सुन लो। वो कौन सा गाना? हवेली में वो क्या हेली में बढ़ गए चोर। चोर। हाँ, मैं देता हूँ, टेप देता हूँ, एक मिनट। रोटी तो नहीं जली। ए ले, सुन सुन, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ, बनेगी। उस पत्नी के गुलाम को समझाते हैं। आप ठीक कह रहे हो जी, चलो उस पत्नी के गुलाम को समझाते हैं। आप पैरों को छोड़ो, आप बाद में दबा लेना। चलो बंद करो ये नाच गाना, अच्छे घरों में ये नाच गाना अच्छा नहीं होता। अरे उल्लू के पट्टे, तू क्या कर रहा है? अरे बापू तुझे दिखता नहीं, मैं गुलाबों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, नाश्ता। हाँ तो ससुर जी, इसमें गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? इतनी नाराजगी किस लिए? मेरे लिए अगर रोटी बना रहे तो अच्छी बात है ना, कितने प्यार से अपनी पत्नी के लिए। एक पति खाना बना रहा है, नाश्ता बना रहा है, कमाल है आपकी तो। और रही सासू माँ आप वाली बात कि अच्छे घरों में नाच गाना अच्छा नहीं लगता, तो माँ जी कौन सा, मैं घर से बाहर नाच रही हूँ, अपने घर में ही नाच रही हूँ, और अपने घर में अब खुश होके नाचना भी गुनाह हो गया क्या?
अरे बहू, नाचने की बात तो अलग है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति से खाना बनवा रही है? अरे माँ जी, इसमें शर्म की कौन सी बात है, खाना ही तो बना रहा हूँ। अरे तू तो गधा है, गधा। देखो सासू माँ, मेरे सामने ना मेरे पति को ना गधा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा है, मैं गधा बोलू घोड़ा बोलू, मेरा बेटा है, तुझे क्या तकलीफ होती है? तो मेरा पति है, मेरे लिए कपड़े धोए, बर्तन धोए, नाश्ता बनाए, आपको क्या तकलीफ होती है? क्योंकि मेरे को तकलीफ इसलिए होती है, ये मेरा बेटा है, वो भी भोला भाला। देखी बहू, अगर ये आपका पति है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए खाना बनाए, आपके कपड़े धोए, आपके पैर दबाए, ये इसकी शोभा नहीं देता। तो ससुर जी, मैं ना कौन सा इनसे जबरदस्ती से ये सारा काम करवाया, पूछ लो, आपसे जबरदस्ती बनवा रही हूँ क्या नाश्ता में? ना ना बापू जी, गुलाबों ने जबरदस्ती नहीं की, मैंने कहा वो थोड़ा डांस कर लेगी और मैं दो ये नाश्ते की रोटियां बना दूं, क्या हो गया? अरे बेवकूफ, कभी अपनी पत्नी को भी कह दिया कर तू? ए माँ, सासू माँ हमेशा इनके लिए नाश्ता मैं बनाती हूँ और आप लोगों के लिए, अगर आज ये मेरे लिए बना देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और आपको ना मेरा तो एक मिनट का खुश होना, राजी होना सुहाता ही नहीं है, तभी ना देर धड़क से मेरी खुशी के बीच में आके टपक पड़े। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, अपने पति से खाना बनवा रही है, ये औरतों के काम है, मर्दों के नहीं। हाँ बहू रानी, तेरी सासू सही कह रही है, मर्दों को ये काम शोभा नहीं देते, जब घर में तुम हो फिर ये खाना क्यों बनाए? आप सही कह रहे हो जी जुगनू के पापा, मैंने कभी आपसे काम करवाया नहीं, करवाया ना, मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, सेवा। माँ जी चुप करो, चुप करो, नहीं तो मैं तेरी सारी पोल खो दूंगा, पापा वाली बता दूंगा सारी बात, गुलाबों को बताऊं? बताओ जी बताओ, कौन सी पोल है ऐसी, पिछली बार भी आपने बताया लेकिन बात अधूरी रह गई थी। माँ जी बता दूं? अरे चुप कर, बता दूं क्या बताएगा तू? बताओ जी बताओ, क्या बताना है? अरे बहू चुप, अरे बैठे चश्मा लगा के गोविंदा बन के सारी बात बता दूंगा। अरे बापू जी, चश्मा ना गुलाबों ने मेरे को ले आके दिया है, मैं खाना बनाऊं तो आंखों में धुआं ना पड़े, आंखें खराब ना हो मेरे जुगनू की। हाँ वो छोड़ो, आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी पोल है जो आज तक मेरे सामने नहीं खुली सास ससुर की? गुलाबो, हाँ बापू की बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं बात बता दूंगा, मैं तो बापू की इज्जत का ख्याल करता हूँ। हाँ नहीं जी, बात तो आज आपको बतानी पड़ेगी, मेरी भी इज्जत का सवाल है अब तो। खबरदार बेटा, अगर तूने बहू को बात बताई तो, एक बात सुन बहू, ये मेरा बेटा है, मेरा मेरा मेरा। डार्लिंग, मैंने कब मना किया कि बेटा आपका नहीं है, बेटा तो आपका ही है, लेकिन अब ये मेरा पति है। ओके, राइट कहा गुलाबू आपने, बिल्कुल राइट, मैं इसका बेटा तो पहले था, अब तो मैं तेरा पति हूँ। अरे नलायक, हमने तुझे इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया क्या,
अब बहू की तारीफ बाजी ले रहा है, बहू का गुलाम कहीं का। आप ठीक कह रहे हो जी, ये बहू का गुलाम है और गुलाम ही रहेगा। माँ जी आप बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल राइट राइट, मैं बहू का गुलाम हूँ और बहू का गुलाम रहूंगा। सुन लिया माँ जी अभी आपने कि मेरे पति देव ने क्या कहा, कि ये मेरा है, सिर्फ मेरा है और मेरा है, और आपका बेटा था था था, मेरा पति है 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 है, और अब मैं जो कहूंगी ना ये वही करेंगे, क्यों जी सही कहा ना? हाँ गुलाबो बिल्कुल राइट 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 100% राइट। अब एक काम करो मेरे, जल्दी से आप दो रोटी बना दो। होगी तैयार होगी। अब बकवास बंद कर तू, ये मेरा बेटा था और मेरा बेटा ही रहेगा, और चल खड़ा यहाँ से, मैं तेरे को बनवाती रोटी, चलो। दो रहेगी मैं चल चल। ये मेरी सास भी ना, जब मेरे पति ने सरेआम बोल दिया कि मैं अपनी बहू का गुलाम हूँ, तो मेरी सासू माँ को कितनी जलन होगी ना कि मेरे पति को खींच के लेगी। आखिर कब तक मेरे पति को खींच के लेके जाएगी और मुझसे दूर रखेगी? है तो मेरा पति ना, मेरा गुलाम, लौट के तो मेरे पास आएगा, जल खोरी गई की। हे भगवान, तू मेरी सासू माँ को उठा क्यों नहीं लेता? पूरे 125 रुपए के पतासे बांटूंगी पूरे गाँव में। और प्रिय दर्शकों, अभी जो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में मैंने पात्र निभाया है बहू का, और सास के साथ अपने ससुर के साथ कर रही हूँ, ऐसी गलती आप भूल से भी ना करें, सास ससुर का मान सम्मान करें और पति को भी रिस्पेक्ट दें। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।